पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय रॉय कथित तौर पर पोर्नोग्राफी का आदी था। उसके मोबाइल फोन में ऐसी कई सामग्रियां मिली हैं। पुलिस ने सोमवार को इसका दावा किया है। 33 साल का रॉय 2019 में सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस में शामिल हुआ था। वो कम से कम 4 बार शादी कर चुका है। उसे व्यभिचारी के तौर पर भी जाना जाता था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसके मोबाइल फोन में पोर्नोग्राफी की काफी सामग्री मिली है। वो काफी परेशान करने वाली और हिंसक थी। हम उसकी मानसिक स्थिति को लेकर भी हैरान हैं। ऐसी चीजें देखना काफी अस्वाभाविक है। जांच के दौरान पता चला है कि वो अपनी पत्नियों के साथ भी शारीरिक दुर्व्यवहार करता था। रॉय के पड़ोसियों ने बताया कि उसकी पहली पत्नी बेहाला की थी, जबकि दूसरी पत्नी पार्क सर्कस की थी। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने बैरकपुर की एक लड़की से तीसरी शादी की, लेकिन वो भी लंबे समय तक नहीं चल सकी। फिर उसने शहर के अलीपुर इलाके की एक लड़की से शादी कर ली। रॉय के घर से लड़ाई झगड़ों की आवाजें आना आम बात थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसकी चौथी पत्नी अलीपुर में एक पेट्रोल पंप पर काम करती थी। उसने भी घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। यह कानूनी लड़ाई के तौर पर अलग होने तक चलती रही। रॉय एक प्रशिक्षित मुक्केबाज है। वह पिछले कुछ वर्षों में कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के करीब आ गया था। इसके बाद ही उसे कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में भेज दिया गया और उसे राज्य संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पुलिस चौकी पर तैनात कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अस्पताल के अधिकारियों के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गईं। इसके बाद वो सभी विभागों तक पहुंचने में कामयाब रहा। यही वजह है कि उसे अस्पताल में और उसके आसपास बेरोक टोक घूमने से रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन उसकी मां मालती रॉय ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उनका बेटा निर्दोष है। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा निर्दोष है। मुझे लगता है कि उसे फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि वो भवानीपुर के एक स्कूल में पढ़ता था और NCC का भी हिस्सा था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने रॉय के खिलाफ BNS की धारा 64 और 103 के तहत मामला दर्ज किया है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी करीबी के कारण अपना प्रभाव दिखा रहा था। इस पहलू की भी जाँच की जा रही है। पुलिस बल में उसका प्रभाव इतना था कि कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन के बैरक में उसकी पहुँच थी। यहीं वह रहता था। अधिकारी ने बताया कि वास्तव में वो इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद बैरक में वापस चला गया था और वहीं सो गया। आपको बता दें, शुक्रवार को महिला डॉक्टर का शव अस्पताल में मिला था। अगले दिन घटना स्थल से ब्लूटूथ हेडफोन बरामद होने के बाद रॉय को हिरासत में लिया गया था। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।